देखो दुनिया में सारी चाहतें किसी की भी पूरी नहीं होती, ये तो हो ही नहीं सकता कि आप जो चाहें वो हो जाए। लोग वजीर आजम बनते हैं, जेल में चले जाते हैं, हैं? हकीकत है ये। कहां कहां इंसान पहुंचता है, फांसी के फंदों पे लटक जाते हैं और मालूम नहीं क्या क्या होता है। तो सारी चाहतें नहीं पूरी होने वाली हैं आपकी। तो अब हल क्या है इसका कि भाई हर ख्वाहिश पूरी करो, ये तो हो नहीं सकता, तो भाई समझौता कर लो। क्या ख्याल है? जब भी कोई मुसीबत आए, पहले तो कोशिश करो मुसीबत ना आए, अपनी हमाकतों ऐसी काम ना करो जिससे टेंशन वाला मामला पैदा हो। मैंने बताया था ना जुम्मे के बयान में, लड़कियों से दोस्ती लगाना, ये चीजें आपकी टेंशन में इजाफा करेंगी, कमी नहीं करेंगी। हकीकत है ये। तो ये काम चर्स पी रहा है, चर्सियों में उठ रहा बैठ रहा है, चर्स पीने से टेंशन बढ़ती है, कम नहीं होती। जब नहीं मिलेगी तो पागल होगा ना। तो वो काम, ऐसे काम करना जिससे आप गरीब आदमी हो लेकिन रहना आपने मालदारों के इलाके में शुरू कर दिया, इससे टेंशन बढ़ेगी, एहसास से कमतरी का शिकार हो जाओगे। यार उसके पास भी गाड़ी, यार उसके पास करोला, मेरे पास रक्षा खामखा की। तो आपको चाहिए था कि जब आप रक्षा हो, रक्षा है, तो ऐसे इलाके में जाओ जहां सबके पास क्या है, रक्षा है। दुकान पकौड़ों की है और सोचें करोड़ों की। ये खामखा में लोग टेंशन में आए हुए हैं। मैंने डिफेंस के लोगों को भी टेंशन में देखा है, हजार गज का बंगला है, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं मगर टेंशन में है। ये मैं हवाई बातें नहीं कर रहा, लोग आते हैं क्यों टेंशन में, कि पड़ोसी के पास उससे भी ज्यादा है। तो ये टेंशनें कुदरत की तरफ से नहीं है, ये आपकी अपनी पाली हुई हैं। तो नबी हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में हमेशा अपने से कमतर को देखो। यार मेरे पास रक्षा है और फला आदमी किस्तों पे भी रक्षा खरीदने की सलाहियत नहीं रखता, सड़कों पे फुटपाथों पे पड़े हुए हैं। तीन चार दिन पहले सदर गया मैं तो देखा फुटपाथ पे लोग पड़े हुए हैं। मैंने कहा यार ये भी लोग हैं, ना घर है ना बाल बच्चे। एक कंवारे का फोन आया, ऐसे जैसे वो नहीं होती है, क्या बोलूं मैं, ऐसे तंज कर रहा था, कह रहे यार कोई रिश्ता ही नहीं देता, ये जिंदगी कोई जिंदगी है। तो मैंने सोचा, मैंने कहा देखो वो जो सदर में फुटपाथ पे पड़े हुए हैं ना, उनको कोई देगा रिश्ता? मैंने कहा तुम्हें अब्बा ने घर में रखा हुआ है, रोटी पानी पंखा सब मिल रहा है, दुआ करते हैं अल्लाह कोई इंतजाम कर दे। नहीं कर रहे तो उन लोगों को देखो जिनको रोटी पानी भी नहीं मिल रहा। तो अपने से कमतर को देखा जाए दुनिया के मामले में, इससे आप एहसास कमतरी का शिकार नहीं होंगे। तो टेंशन खत्म करने की एक बहुत बड़ी जरिया यह है कि अगर फिर भी कोई मुसीबत आ गई तो तकदीर का सोचा जाए कि जो चीज मुकद्दर में है वो टल नहीं सकती, और दुनिया मुसाफिर खाना है, यहां अगर टेंशन है तो वो भी आरजी, यहां की खुशी भी आरजी। एक आदमी के बच्चे बिछड़ गए, तलाक हुई मियां बीवी में, बीवी बच्चों को लेके फरार। अब वो मेरे पास आया ऐसे बेचारा, जाहिर है बच्चे तो याद आते हैं, ऐसे उसकी हालत खराब, स्ट्रेस। तो मैंने कहा केस करो अदालत में, कह रहे अदालत में केस से कोई फायदा नहीं है, नहीं मिलेंगे बच्चे। बहुत मैंने हल बताए, ये कर लो, तमाम हल नाकाम। मैंने कहा फिर यूं करो, क्या करो, मिट्टी डाल। मैंने कहा डॉक्टर आफिया सिद्दीका का सोचो, वो औरत है जेल में है, अपने बच्चों से दूर है, मजीद औलाद भी नहीं हो सकते उसके। तो मैंने कहा तुम्हारा अगर तुम्हें जेल में डाल दिया जाए ना अभी, तो तुम कहोगे चलो बच्चे ना मिले लेकिन जेल से तो बाहर आऊं, यही सोचोगे ना। उसका सोचो कि वो एक औरत जात है, कई सालों से जेल के अंदर पड़ी हुई है, और औरत के लिए बच्चों से जुदाई वो बहुत ज्यादा मुश्किल है, मर्द तो बर्दाश्त कर लेता है। तो मैंने कहा अब जो चीज बस में नहीं है उस पर गम करना फजूल, मिट्टी डालो ऐसे, और शादी करो और मजीद नए बच्चे पैदा करो, जब इधर दूसरी औलाद आएगी तो उधर से जहन आपका हट जाएगा। कहते हैं लोग ताने देंगे बच्चों को भूल गया, मैंने कहा लोगों के पास फालतू टाइम बहुत है, ठीक है ना, वो ताने देते रहेंगे, लोगों के तानों की परवाह मत। जब एक चीज आपके बस में नहीं है तो उस पर सोचना कैसा, ये भी एक बहुत बड़ा नुस्खा है सुकून का, कि जो चीज आपके इख्तियार में नहीं है उसके बारे में सोचना बंद कर दो। देखो नूह अलैहिस्सलाम
अपने बेटे की सारी जिंदगी तरबियत करते रहे मगर वो काफिर निकला। आखिरी वक्त में नूह अलैहिस्सलाम को अपने बेटे पर कितना प्यार आया कि मेरी किश्ती में सवार हो जा। बेटा कहता है साआवी इला जबली यासिमुनी मिनल मा, मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा जो मुझे पानी से बचा लेगा। पैगंबर को अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत होती है, बहुत ज्यादा है। जैसे याकूब अलैहिस्सलाम को थी ना अपने बेटे से, कितना दर्द होगा उस वक्त नूह अलैहिस्सलाम के दिल में, कैसे तड़प रहे होंगे। लेकिन बेटा बाज ना आया। वहाल बैनहुम अलमौज फकान मिनल मुगरकीन, एक मौज आई और उसको गर्क कर दिया। नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी इन्नबनी मिन अहली, ए अल्लाह मेरा बेटा मेरे अहलो आयाल में से है, तूने तो वादा किया था तू मेरे अहलो आयाल का ख्याल करेगा। अल्लाह ने क्या फरमाया इन्नहु लैस मिन अहलिक, ये तेरे अहल में से नहीं है, इसका अमल ठीक नहीं है। फला तसअलनी मा लैस लक बिही इल्म, दोबारा ये सवाल मुझसे मत करना। अब ये नहीं कि नूह अलैहिस्सलाम बैठ गए और ये क्या हो गया यार, अब सोचे ये तो बड़ा गलत है। बस नूह अलैहिस्सलाम ने फौरन इस्तिग़फ़ार किया, अऊज़ु बिका अन अस्अलका मा लैसा ली बिही इल्म, ए अल्लाह मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ ऐसी चीज की, मैं तुझसे ऐसा सवाल करूं जिसकी दलील मेरे पास नहीं। बस भूल गए। अब ये थोड़ी क्यों रोते रहे बैठ के, भाई जो चीज बस में नहीं है छोड़ दो। तो हम बहुत सारी चीजों की टेंशन लेते हैं जो हमारे इख्तियार में नहीं है। पेट्रोल महंगा हो रहा है, बैठ के खामखा में परेशान है, भाई तुम्हारे तुमसे पूछ के थोड़ी महंगा हुआ है। गम करने से अगर वो सस्ता हो जाए तो रो। मेरे पास थी कावासाकी जीटीओ, कावासाकी जीटीओ 125, आपको पता है क्या बाइक थी वो, हमने भी बड़े शौक पाले हैं एक जमाने में। मैं उसका पेट्रोल, उसमें पेट्रोल ठीक ठाक डलता था। अब जब पेट्रोल महंगा होता तो सबसे ज्यादा मुतासिर मैं होता था इससे, 50 वालों को कुछ नहीं होता था। तो मैं एक दफा पेट्रोल पंप गया, मैंने पेट्रोल डलवाया उसमें, तो उसने कहा वो 5 रुपए पर लीटर बढ़ गया है। मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने साथ वाले से कहा, मैंने कहा यार ये क्या मजाक है यार, हर थोड़े दिन के बाद 5 रुपए बढ़ रहा है तो आपको गुस्सा नहीं आया? उसने कहा सिर्फ मेरे लिए थोड़ी बढ़ रहा है, पूरी कौम के लिए बढ़ रहा है ना। तो मुझे उसकी बात बड़ी अच्छी लगी। उसने कहा मेरे अकेले के लिए बढ़े तो मुझे गुस्सा है, सबके लिए बढ़ रहा है तो चलो ठीक है। उस दिन के बाद से अब तक पेट्रोल बढ़ने पर मुझे गुस्सा नहीं आया। मैं यही कहता हूं यार मुझे टेंशन लेने से क्या मिलेगा, 100 रुपए लीटर बढ़ जाए, ज्यादा ज्यादा ये होगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो गाड़ी बेच दो, भाई नहीं हमारे कंट्रोल से बाहर हो गई है गाड़ी बेच दो, दोबारा आ जाओ टैक्सी पे आ जाओ, फिर भी है तो फिर रक्षे पे आ जाओ, फिर चिंची पे आ जाओ, फिर पैदल हो जाओ। जो चीज इख्तियार में नहीं है उसकी टेंशन लेना हमाकत है। बात आ रही है समझ में? इसी तरह याद रखो औलाद की तरबियत का मामला है। हमारे यहां जो लोग नए नए दीनदार बनते हैं या पुराने भी, वो चाहते हैं मेरा घर 100% खुलफाए राशिदीन जैसा बन जाए, जबकि बेगम पे कंट्रोल नहीं होता, वो अलग सिमत में जा रही होती है। अब आपने डंडा चलाना शुरू कर दिया, बच्चे बागी होना शुरू, वो बजाय दीन पे आने के अब्बा को मखनचू समझना शुरू कर देते हैं और बगावत फैलती है। तो भाई आप एतदाल से तरबियत की कोशिश करो, हो गई ठीक है, नहीं हुई हमसे नहीं सवाल होगा, हम जो कर सकते थे हमने कर लिया। तो हमने ना बहुत सारी चीजें, ये हो रहा है मुआशरे में गलत, ये हो रहा है, वो वाले वो जमात क्यों आ गई, वो जमात क्यों आ गई, वो फला फिरका क्यों बढ़ रहा है, ये वाले की कम हो रहे हैं, वो जोर से आमीन क्यों कह रहे हैं, वो आहिस्ता आमीन क्यों कह रहे हैं, ठीक है ना, वो रफ़ुल यदैन क्यों कर रहा है, वो रफ़ुल क्यों नहीं कर रहा। मेरा एक उसूल है, मैं जब किसी टॉपिक पर बयान करता हूँ तो मुझे जब भी कोई ऐसे इख्तलाफी मसाइल पर बयान होता है ना, तो अक्सर लोगों के फिर व्हाट्सएप पे मैसेज आना शुरू होते हैं, आपने जो ये बयान किया इसमें ये वाली बात, हालांकि उस बात का जवाब उसमें मौजूद होता है। तो मैं फिर मजीद जवाब नहीं देता, मैं कहता हूँ पूरा बयान सुने। वो फिर जवाब भेजते हैं कि हमने पूरा बयान सुना है, मैं कहता हूँ दोबारा सुने। कहते हैं सुना तो है, मुझे जवाब नहीं मिला, जबकि मुझे पता होता है जवाब उसमें है, मैं कहता हूँ फिर तीसरी बार दोबारा सुन। क्योंकि इससे ज्यादा कि हम मुकल्लफ नहीं। अब यही थोड़ी कि एक ही चीज को लेके फिर वही सवाल वही जवाब वही सवाल वही जवाब, पब्लिक के पास तो टाइम है, वो तो करते रहेंगे और आपकी सलाहियतें बेकार जाया होती रहेंगी। भाई हम जब एक टॉपिक पर बात की, पूरा कवर किया उसको, मुझे अच्छी तरह मालूम है आपके इन तमाम सवालात का जवाब उसमें मौजूद है,
अब बार बार सवाल करोगे तो हम नए सिरे से जवाब देंगे। टाइम्स आया, ये टेंशन है खामखा की क्यों पाले। टेंशन पता है क्या होती है? टेंशन ये होती है कि यार इतनी तफसील से मैंने बयान किया फिर भी लोगों की समझ में नहीं आ रहा, हाय ये क्या यार ये क्या। इससे आप खामखा में आप के सर के बाल गायब होते रहेंगे। तो हम यही कहेंगे, ए अल्लाह हमसे जो हो सका था हमने कर दिया, अब समझ में आना किस, समझाना किसके बस में है? अल्लाह के बस। नबी की बात सबकी समझ में नहीं आई, और अल्लाह ताला ने नबी को कितनी तसल्ली दी है कुरान में। नबी को बार बार कहा कि आप जो समझा रहे हैं फिर भी ये नहीं समझ रहे तो टेंशन ना लें। क्यों? नबी को अगर ज्यादा टेंशन होगी तो काम कौन करेगा? कुरान में सैकड़ों आयतें हैं जो सिर्फ तसल्ली पर मबनी हैं, जिनमें नबी को क्या दी जा रही है? तसल्ली। लअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम, कहीं ऐसा ना हो कि इनकी हिदायत के पीछे आपकी जान ही हलाक हो जाए, यानी गम से। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरान होते थे कि इनको मैंने मौजज़े भी दिखा दिए और मैंने बताया कि ये बुत हैं जिन जो ना सुन सकते हैं ना देख सकते हैं ना बोल सकते हैं, हर तरह से समझा दिया, ठीक है। और मेरी 40 साल जिंदगी भी इन्होंने देखी कि जिंदगी में कभी मैंने झूठ नहीं बोला, अमीन और सादिक मशहूर हूं। और ये पैगंबरों का इंतजार भी कर रहे थे कि एक नबी आने वाला है, सब चीजें हो गई फिर भी नहीं मान रहे, तो टेंशन तो होती है ना। तो कुरान नबी को क्या कह रहा है कि मजीद टेंशन लें? ना ना ना, कुरान टेंशन क्या कर रहा है? काम। ना ना ना, टेंशन ना लें, टेंशन ना लें। मा अंत अलैहिम बिमुसैतिर, आप इन पर निगहबान नहीं है, दारोगा नहीं है, गन पॉइंट पे नहीं लाएंगे आप किसी को, आपसे सवाल नहीं होगा। आप बल्लिग मा उरसिल इलैका मिर रब्ब उनजिल इलैका मिर रब्बिक, आपका काम है पहुंचाना। यहां तक कि अपने सगे चचा ईमान नहीं लेकर आ रहे, जिन्होंने आपको पाला बचपन से, चलो वो तो दुश्मन थे, वो ईमान ना लाए तो इंसान सबर करता, ये तो दुश्मन है। अपने सगे चचा जिन्होंने बचपन में पाला, कफालत की आपकी, 3 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बायकॉट किया है कुरैश ने, खाना पीना बंद कर दिया, शुआबे अबी तालिब की घाटी में बंद कर दिया बनी हाशिम को, कि इनका 3 साल तक कोई लिंक नहीं होगा इनसे, ताकि ये रुजू करें अपने दीन से। अबू तालिब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस घाटी में बंद हुए, ईमान नहीं लाए मगर अपने भतीजे का साथ दिया। इतने अच्छे चचा लेकिन ईमान नहीं लाए, कैसा नबी का दिल कुड़ता होगा? होगा कि नहीं होगा? मौत के वक्त आके नबी ने कहा कि एक दफा कलमा पढ़ लें ताकि कयामत के दिन आपकी बख्शिश कर सकूं, सिफारिश कर सकूं, आपकी अल्लाह से बख्शिश की दुआ कर सकूं, कैसा दिल मचलता होगा ना। अबू तालिब को ख्याल आया कलमा पढ़ने का, कुरैश के जो सरदार थे उन्होंने अबू तालिब को देखना शुरू कर दिया कि कलमा, कितना गुस्सा आया होगा नबी को उन सरदारों पे कि मेरा चचा जिसने मेरी इतनी कफालत की, मुझसे इतनी मोहब्बत की, आज वो मेरे सामने जहन्नम की आग में दाखिल हो रहा है और ये कमबख्त खड़े हुए उसको वरगला रहे हैं। अबू तालिब ने चंद अशार कहे कि अगर मुझे ये डर ना होता कि अरब कहेंगे कि सारी जिंदगी इस्लाम नहीं लाया, मौत के वक्त मौत के डर से बाप दादा का दीन छोड़ गया, ये डर ना होता तो आए मोहम्मद आज मैं तेरी आंखें कलमा पढ़ के ठंडी कर देता। लेकिन इसको उन्होंने गैरत का मसला बना लिया कि मैं मरूंगा तो सरदार कहेंगे कि ये एक जबान वाला नहीं है, जबान तब्दील कर ली इन्होंने, करना था तो पहले ही मान लाता ना, अब क्यों। और वलकद आलिम तो बी अन्न दीन मुहम्मदिन मिन खैरी अदियानिल बरियति कुल्लिहा, मुझे यकीन है कि मोहम्मद जो मेरा भतीजा दीन लेकर आया है तमाम दुनिया के दीनों में सबसे अफजल है। लौलल हिजारु लौलल मलामतु औ हिजारु मसब्बतिन, अगर मलामत का खौफ या लोगों के बुरे भले कहने का खौफ ना होता तो आज मैं अपने भतीजे की आंखें ठंडी कर देता। कैसा दिल कुड़ा होगा मेरे भाई, कैसा, जिसको जहन्नम की आग का यकीन है और उनको मालूम है कि मेरा चचा जहन्नम की आग में दाखिल होने वाला है, कैसा तड़प रहे होंगे। और अबू तालिब की आंखें बंद हो गईं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने गमजदा हुए, अल्लाह ने फिर क्या दी? तसल्ली की आयतें कि टेंशन ना लो। ये मैं आपको क्यों वाकया सुना रहा हूं
कि जब इतने बड़े बड़े गम के वाकयात में अल्लाह टेंशन लेने को पसंद नहीं कर रहे, तो हमारी छोटी छोटी उसकी पकौड़े की दुकान चल गई, मेरी दुकान बंद हो गई, उसको सवारी मिल गई है भाई रक्षे में, मुझे सवारी नहीं मिली, इन चीजों में टेंशन लेने का क्या मतलब? बहुत मुश्किल है यार, क्या करें यार, हमारी टेंशन यही होती है ना यार, सेटिंग वहां चल रही थी, अब्बा ने रिश्ता वहां तय कर दिया, ये कोई टेंशन की चीज है? टेंशन तो वो है जो नबी को हुई थी, यही टेंशन है आजकल। तो नबी को किस कदर गम हुआ होगा, गैरत भी है नबी में, हया भी है, मोहब्बत भी है, लेकिन अल्लाह क्या कह रहे हैं, टेंशन ना लें। क्यों? वही उसूल जो मैंने आपको बयान किया कि जो चीज इख्तियार में नहीं है उस पर टेंशन नहीं लेनी चाहिए। इन्नका ला तहदी, ये आयतें नाजिल हुई, मन अहबबता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, ऐ मोहम्मद जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसको हिदायत देने के मालिक नहीं है। मोहब्बत अलग चीज है, हिदायत हमारे हाथ में है, आपके हाथ में नहीं है। अब अगर नबी उसी गम को लेके बैठे रहते तो कहां से दावत और तबलीग का काम होता? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत आयशा ने पूछा कि अबू तालिब जो इतनी खिदमत करता था आपकी, करते थे और इतना कुछ उन्होंने किया, क्या ये नेकियां क्यामत के दिन काम आएंगी? आपने फरमाया हाँ। कितना काम आएंगी? कि जहन्नम के निचले तबके से अल्लाह उठा के ऊपर वाले तबके में ले आएगा, और पाँव में सिर्फ आग होगी मगर उससे दिमाग ऐसे खोलेगा जैसे हांडी। अबू तालिब पूरे जहन्नम की आग में नहीं होंगे, सिर्फ उनके पांव जहन्नम की आग में हैं। इससे पता चलता है काफिर की नेकियां काम तो आती हैं मगर अजाब कम करने में, अजाब खत्म करने में नहीं। भी हम देखते हैं कि दुनिया में बहुत कुछ गलत हो रहा है, दलाइल के अंबार लगा दो फिर भी लोग नहीं मानते, और फिर कवारियत, एक दूसरे पे तानो तशनी, घरेलू हालात में गड़बड़, तो उसमें अगर आप टेंशन लेना शुरू कर दोगे तो फिर सिवाय डिप्रेशन की गोलियों के, गोलियों की एक नई टेंशन लग जाएगी। जिस दिन गोली नहीं खाई उस दिन अजीब सा हो गया। डिप्रेशन का मरीज को जिस दिन गोली ना मिले वो खुद गोली की तरह बन जाता है, वो फिर कई लोगों को गोलियां खानी पड़ती हैं उससे बातचीत के बाद। तो इसलिए मेरे भाई दो चीजें याद रहेंगी, एक नींद और दूसरा टेंशन, जितना हो सके। फिर भी अल्लाह की तरफ से होती है, ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है 100% ही खत्म हो जाए, ये तो मुमकिन नहीं है, लेकिन बहुत सी चीजें खुद मुसल्लत की हुई हैं।